बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ अ वेरी रेयर कॉन्सेप्ट। मतलब बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ उन्होंने रखी है, इट्स प्योरली कंजर्वड इन अ नेचुरल वे। बिल्कुल। यहाँ जैसे आप, तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम से लगाते हैं, ठीक, जैसे आप देख रहे हैं वांगन है या हाँ टमाटर है, ठीक चिल्ली है ठीक, और कोलाट ग्रीन है, ये हम मिक्स में लगा। ये हमारा हॉट हाउस है, अच्छा, जो भी हम ड्राई करते हैं हम अपने हॉट हाउस में करते हैं ड्राई। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन में रहता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे जो और कहीं नहीं दिखती है, जैसे कि ये ट्री हाउस, मुझे नहीं लगता कश्मीर में और कहीं पे ये देखने को मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर का सबसे पहला इको विलेज, साग इको विलेज, जो कि है गांदरबल में। ये जगह बहुत ही अलग और बहुत ही खास है और एक स्पेशल मकसद से बनाई गई है। वो स्पेशल मकसद क्या है वो आपको इस व्लॉग में पूरा पता चल जाएगा, इसलिए व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल, आज नया व्लॉग भी बनाना है और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कश्मीरी कल्चर के साथ काफ़ी जुड़ी, लेकिन अभी वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से यहाँ लोग अब इस्तेमाल नहीं करते उन चीज़ों को, तो वो आप देखेंगे आगे जाकर क्या हमें देखने को मिलेगा। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये है एंट्रेंस। तो अभी हम सबसे पहले जो है साग इको विलेज का कैंपस टूर करने वाले हैं। अभी हम फार्मिंग से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ यहाँ उगती है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ उगती है वही इस्तेमाल होती है, वही चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी इस व्लॉग को स्किप ना करें। अभी हम जा रहे हैं फार्म की तरफ। सर ये हमारा फार्मिंग एरिया जो है, बिल्कुल, इसमें मल्टीपर्पज हमने वेजिटेबल्स लगाए हैं। जैसे आप, तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम से लगाते हैं, ठीक, जैसे आप देख रहे हैं वांगन है हाँ, या टमाटर है ठीक, चिल्ली है ठीक, और कोलाट ग्रीन है, ये हम मिक्स में लगाते हैं क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट रखते हैं आपस में, ठीक, इसमें पैसा पैसा बचाने के लिए, जो भी इनको बीमारियां अटैक हो जाती हैं तो उससे ये एक दूसरे की स्माइल से इनको क्या होता है, सपोर्ट मिल जाता है, उस वजह से हमें स्प्रे विप्रे कुछ नहीं करनी पड़ती है। जो भी इसमें हम खाद या फर्टिलाइजर बनाते हैं वो हम अपनी खुद की खाद, जो भी किचन से वेस्ट निकलता है उस वेस्ट की हम खाद बनाते हैं, जो हमारे इको कंपोस्ट टॉयलेट है वो वाली खाद हम बनाते हैं, फिर वही वाली हम अपने फार्मिंग एरिया में। एक तो आप खाद भी खुद की ही यूज करते हो जी, फिर यहाँ पे जो चीजें बनती है वो भी आप खाने में वही यूज करते हो जी, जी। बाहर का आप कुछ भी यूज नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता जी, नहीं कोई भी, क्योंकि जो यहाँ के फाउंडर है जिन्होंने 2010 में ये इनिशिएटिव लिया, तो उनका यही था कि कोई भी प्रिजर्वेटिव खाने में यूज ना हो, सफाई हो हर तरफ से, उसी इनिशिएटिव को लेकर उन्होंने ये इको विलेज बनाया। तो अभी आगे हम सुनते हैं, आगे ये हमारा कंपोस्ट है, यहाँ पे हम ये खाद वाद बनाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट हमारा ये यहाँ पे, साइड में हमारा कंट्री चिकन फार्म है, जो भी हमारे रेस्टोरेंट में यहाँ यूज होते हैं चिकन, अच्छा, तो वो यहाँ ही हो, तो वो हमें कश्मीरी मुर्गे जो हैं जिन्हें कोशर कोकर छवाना तिम से अस रिच में तिमे से अस करा पनी रेस्टोरेंट में यूज, हां चिकन, हां तो साथ है उनको ही वही चीजें खिलाते हैं जो कि बहुत ही हेल्दी रहती है और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव लगाया है, जिसको जितना, जिस हर्बल को जितना पानी जरूरत होता है उसी हिसाब से हम स्पैरल में लगाते हैं। जैसे मिंट को थोड़ा पानी ज्यादा जरूरत होता है तो ये ग्राउंड लेवल पर है, उसके बाद है वारम वुड जिसको टेट्वन बोला जाता है, ये थोड़ा टॉप लेवल पे होता है, उसके बाद है रोज मैरी जिसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है वो उसके टॉप पर, फिर हमें लेवेंडर है जिसको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है वो हम टॉप लेवल, ठीक बिल्कुल सही, वन पेंट, ये रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं जो हैंडक्राफ्ट है, मशीन से नहीं बनी हुई है, ठीक, वो वाली चीजें, और यहाँ पर जो भी हम फार्मिंग में करते हैं, जैसे आप बीनस देख रहे हो, तो आप एप्पल देख रहे हो, ये अंदर से देखेंगे हम जी, जी यहाँ से, ठीक है ना, ये अंदर से देखेंगे हम ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छे से दिखाई दे, कोई बात नहीं। जैसे ये हमारे अपने फार्मिंग से, ये तो राजमा ये हमारे अपने फार्मिंग से निकलते हैं जो भी, और जैसे हमारा वर है, एप्पल है, मिंट है, लेवेंडर है, ठीक, और ये बागू है जो भी,
और ये यूज होते हाँ, हैं। हैंगर हमने बनाए हैं, अच्छा जो भी हैंडमेड प्रोसेस होता है वो चीजें हम यहाँ पे काबा हमारा बोले जाते हैं। हाँ। और इसमें भी है थोड़ी जैसे दामोर है, ग्रट है, ठीक हाँ, जो यूज ट्रेडिशनल जो चीजें घर में यूज करते थे, और ग्रट है, अल्गोइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पुरानी चीजें मिलती है जो पुराने वक्त में यूज़ होती है, आज भी कहीं कहीं जगह यूज़ होती है, और कुछ ऐसी नई चीज़ें भी जो वक्त की ज़रूरत है, जैसे कि फ़ैन। ये तो यहाँ पे अलग ही फील मिलता है आपको, काफ़ी अच्छी जगह है, आपको आना चाहिए यहाँ। यहाँ पे आपको बर्तन भी जो है मिट्टी के ही देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। ये देखो, अब कोई कोई मिट्टी के बर्तन में खाना पसंद नहीं करता, उसके लिए अलग प्लेट्स रखी हुई है। यहाँ पे हमारे बच्चों के कैंप होते हैं, उसमें पेपर मैशी का काम होता है, फूड का काम होता है, फार्मिंग का काम होता है, ठीक वगैरह। जैसे रिसाइकलिंग में हमने लाम शेड बनाए हैं, वॉल पे हमने ये पत्ती लगाई है ओल्ड वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है। ये हमारा हॉट हाउस है, जो भी हम ड्राई करते हैं हम अपने हॉट हाउस में करते हैं ड्राई। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसमें हम एप्पल ड्राई करते हैं, जैसे भी हमारी ये देखो कोई भी राजमा वगैरह। ये अभी एप्पल ड्राई करके है, ये क्या है, हाँ ये एप्पल ही है जी, और ये बीन्स है राजमा। ठीक, इसमें क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक, तो उस वजह से हम इसी में ड्राई करते हैं। यहाँ से जल्दी निकलना बेहतर है, गर्मी काफ़ी है। यहाँ से वॉशरूम है जी वाले, यहाँ से वॉशरूम्स है, और ये हमारा इको वॉशरूम है, जो भी जो हमारा इको टॉयलेट है। अच्छा, कंपोस्ट टॉयलेट है हमारा ये। अच्छा, ये जो भी एक इसमें हम जो हमारा ये टॉयलेट है, ये मेन मॉडल है हमारा, जो भी हम खाद वाद बनाते हैं तो हम इसी को यूज करते हैं। इसमें हमने बिन लगाया है नीचे, एक बिन लगाया है, बिन में फिर इसमें जो बेंसास का तो होता है, हाँ। जो भूसा होता है वो लगाते हैं, सूर लगाते हैं और मिट्टी लगाते हैं, और ये 6 महीने के लिए हम ड्रम को डेट फिक्स करके डेट लगा के और 6 महीने के सीलिंग कर देते हैं, फिर 6 महीने के बाद फुल खाद बन जाती है नीचे। हाँ, ये एक वाली खाद हम यूज करते हैं एरिया में डालते हैं। ठीक सही है। इस साइड में हमारा इको शावर है, इको शावर है, ये 3 लेयर में, इसमें थोड़े बड़े ऊपर से कंकर डाले, इससे छोटे फिर सेंड डालिए और ये फिल्टर हो जाता है, यही वाला फिल्टर पानी जो है हम फिर से अपने फार्मिंग एरिया में इस्तेमाल यूज करते हो। ठीक सही सही, काफी सही है। तो अभी हम जा रहे हैं मड हाउस की तरफ। ये देखो, ये हमारे मड हाउस है जो नेस्टिंग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, चलिए हम अंदर जाते हैं पहले, अगर खुला होगा कोई ये तो मुझे लगा बंद है, ये खुला है ना, वहाँ और अभी टूरिस्ट है। ये बुक है नए के लिए, नए स्टेट यहाँ पर देखो। तो ये अगर ये एक कमरे में कितने आदमी, 4 आदमी अकोमोडेट, 4 आदमी एक और एक कमरे में अकोमोडेट होते हैं, तो ऐसे तो काफ़ी बने हैं यहाँ, टेंट्स भी बनाए हुए हैं, डॉर्मेटरीज भी बनाई हुई हैं, यहाँ काफ़ी लोग जो है आ सकते हैं और इस एनवायरनमेंट का मज़ा ले सकते हैं, कि काफ़ी अलग चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। चीज़ का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, क्वीन एप्पल का पेड़ है, एप्रिकॉट का पेड़ है। बिल्कुल, और ये भी एक दूसरे में मिक्स में लगाए हैं, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट रखते हैं, इनके बीच में मिर्सन प्लांट भी है, जैसे सेंटर लीनिया है, रोज मैरी है और लेवेंडर है। बिल्कुल, ये भी इनको सपोर्ट रखते हैं वगैरह। इसके जो फाउंडर है वो है फयाज अहमद डार है जी, फयाज अहमद डार जो है सागी को विलेज के फाउंडर है, तो काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है। 11 कनाल्स पे है ये, 11 कनाल्स ऑफ लैंड यूज हुए है इस इको विलेज को बनाने में। तो ये वाला, इसको अटैच किचन है और अटैच बाथरूम है इस वाले को, आगे कोई फैमिली आती है, हमारे बच्चों के प्रोग्राम होते हैं उनके लिए, ये फैमिली के लिए यहाँ पे किचन भी, ये अंदर भी रूम है लेकिन वहाँ पे अभी फैमिली स्टे कर रही है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। आप किचन का व्यू देखो, यहाँ पे किचन बनाया हुआ अच्छे से, और यहाँ देखो बाहर का व्यू, और ऊपर डार्मेंट है सोने के लिए। अच्छा, सोने के लिए बाकी है। चलो
बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ वेरी रेयर कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी, यहाँ पे जो भी चीज़ उन्होंने रखी इट्स प्योरली कंजर्वड इन अ नेचुरल वे। यहाँ पे हमें इतना ये नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी रेयर बुक्स यहाँ पे इनके पास अवेलेबल होंगी। लाइक वी आर सो मच अमेज्ड द वर्क दे हैव डन एंड द काइंड ऑफ बुक्स दे हैव अवेलेबल इन देयर लाइब्रेरी। गाइज देखने में शायद आपको सिंपल लगे लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी ज़बरदस्त बुक है। ये देखिए ये वाली बुक जो है नोबल प्राइज विनर है ना, दिस बुक बिल्कुल नोबल प्राइज विनर 45 मिलियन, हाँ ज़बरदस्त बुक्स है। और ये खलील जिब्रान आप सब लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़बरदस्त राइटर है खलील जिब्रान। हालांकि हमें इनकी जो राइटिंग्स है, इनकी जो टीचिंग्स है, उनको सोच समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है। वॉल्डन है ऐसी ऐसी वॉल्डन, ये देखिए हमें पहले ही जब हम अंदर आए तो हमें लगा था कि वॉल्डन से इंस्पायर्ड है यहाँ पे कुछ जो ये बना हुआ है। वॉल्डन इज़ द बेसिकली ऑथर कि जो एक साल के लिए नेचर में चले गए थे रहने के लिए, फिर वो वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने ये बुक लिखी थी एक साल रहने के बाद। ऐसी गाइज ये कोई नॉर्मल बुक्स नहीं है, ये रेयर बुक्स है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत मेरी फेवरेट यहाँ पर ट्यूजडे विद मोरे, ये भी एक जबरदस्त किताब है, ये मॉडर्न क्लासिक्स में आ जाती है। मुझे भी लगता है कि जो फाउंडर है यहाँ के वो इन्हीं सब से इंस्पायर हुए काफी ज्यादा। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब हमें बहुत कीनली हम उनको देख रहे थे कि हम शायद उनसे मिलें। उनके लिए हमारी मैसेज उनके थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस, और हमको बड़ा जबरदस्त लगा यहाँ के, हम एक रात रुके थे कल आए थे यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो वंडरफुल वर्क, ग्रेट वर्क। मैंने कहा ना आपको यहाँ पे कुछ मतलब शायद देखने को आप देखने में आपको ये सिंपल लगे, सिंपल, लेकिन सिंपल लगे, लेकिन जो चीजें यहाँ पे इन्होंने रखी है ना, जो यहाँ के ओनर है बेसिकली ही इज मतलब मुझे मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ही इज इनक्रेडिबल। उनने ऐसी जबरदस्त कलेक्शन रखी है बुक्स की जो आपको नॉर्मली पूरे कश्मीर में कहीं और देखने को भी नहीं मिलेंगी। ऐसी ऐसी बुक्स है गाइज, और यहाँ पे आने का मजा ही तब है जब आप कम से कम आराम से 2-3 दिन के लिए आए हैं। बहुत मजा है, बहुत शांति, बहुत सुकून है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलॉट। ये जो है ये खास एरिया है यहाँ पे इको विलेज में, जो कि अभी यहाँ पे सफाई हो रही है। अभी ज्यादा आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे आप देखते हो प्रोजेक्टर लगता है, इसके अलावा बुफे वुफे सिस्टम वो सारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप देखो कितनी प्यारी लाइट्स है यहाँ पे, ये देखो आप। और ये तो अभी ऊपर रखा है इन्होंने तकिए वकिए, क्योंकि अभी सफाई चल रही है। यहाँ से आप पुराने ज़माने का जो है टेलीविज़न आप देख सकते हो, ये काफ़ी पहले यूज़ होता था, और आज वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो पुराने ज़माने में ऐसे बहुत से टीवी जो ऐसे है जो तोड़े जाते थे इस दिन मैच का रिजल्ट देखने के बाद। पेंड मतलब यहाँ पे लोग जमा होते हैं और फिर गपशप करते हैं, उसी के लिए ये जगह है। ट्री हाउस है, देखो कितना प्यारा ट्री हाउस है, इसकी एंट्री यहाँ से होगी। ये है ट्री हाउस, ये देखो ट्री हाउस यहाँ पे, और यहाँ से व्यू, ट्री हाउस से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे जो और कहीं नहीं दिखती है, जैसे कि ये ट्री हाउस, मुझे नहीं लगता कश्मीर में और कहीं पे ये देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से मैं उतरता हूँ और बच्चों के लिए तो खेलने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तो अगर यहाँ आते हो आप बच्चों को ज़रूर साथ लाया, ज़्यादा उन्हीं के लिए, फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अभी इस जगह से निकलने का टाइम आ गया है, इको विलेज को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, क्योंकि यहाँ जो स्टाफ था उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन दिखाई और काफ़ी अच्छा लगा इनका। मोहम्मद, मोहम्मद को मज़ा आया, मोहम्मद को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो इस व्लॉग को भी हम यहाँ पे ही साग इको विलेज पे ही एंड करते हैं। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा,
पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।